In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students, how are you? Students, now we are going to start science work. Students, आज हमने अपना unit number 3 करना है, living and non-living things. Living things कौन सी होती हैं, non-living things कौन सी होती हैं? Living things होती हैं जो grow करती हैं, move करती हैं, breathe करती हैं, जो बढ़ सकती हैं, खुद से हरकत कर सकती हैं, सांस ले सकती हैं, वो कौन सी थिंग्स हैं? लिविंग थिंग्स. और जो खुद बा खुद ना अपनी जगह से हिल सकती हैं, मूव भी नहीं कर सकती, बढ़ती भी नहीं है, सांस भी नहीं ले सकती, तो वो कौन सी चीज़ें हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. अब ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल फिश. फिश जो है वो ग्रो करती है, पहले छोटी सी होती है, फिर बड़ी होती है, फिर उससे बड़ी होती है, ग्रो करती है. और ये एक जगह से दूसरी जगह खुद से जा सकती है, हमें इसे उठा के इधर उधर नहीं करना पड़ता, ये खुद से मूव करती है, ये सांस लेती है. ठीक है, ये कौन सी थिंग है? ये लिविंग थिंग्स में आती है. अब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप जो है, लैपटॉप जो एक नॉन लिविंग थिंग है, ये सांस लेती है? नहीं, ये सांस भी नहीं ले सकता, ना ये खुद से मूव कर सकता है. इसको हम उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देंगे, वहाँ से उठा के किसी और जगह रख देंगे, लेकिन ये खुद से मूव नहीं कर सकता, ना ये सांस लेता है, ना ये मूव कर सकता है, और ना ही ये बड़ा होता है. अगर इसको हम बाज़ार से अगर छोटा लेके आएंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टैब है, तो वो टैब आप जितना लेके आते हैं उतना ही रहता है ना, बड़ा तो नहीं होता. इसी तरह ना, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स में आता है. उम्मीद है आप सबको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की समझ आ गई होगी कि जो चीज़ें बढ़ती हैं, सांस लेती हैं, हरकत करती हैं, वो कौन सी हैं? लिविंग थिंग्स. और जो चीज़ें बढ़ती नहीं हैं, सांस भी नहीं ले सकती और ख़ुद से वो मूव भी नहीं कर सकती, वो कौन सी चीज़ें हैं? नॉन लिविंग थिंग्स उनको कहते हैं. ठीक है, तो आज हमने अपना चैप्टर यूनिट नंबर 3 जो है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स स्टार्ट करना है. तो इसमें आपके लिए आपका फेवरेट काम है ये, इसमें आपने कलर करने हैं. ठीक है, कलर द लिविंग थिंग्स ओनली, आपने ओनली लिविंग थिंग्स में कलर करने हैं. अब ये जो शावर है, इसमें आपके लिए ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है? ये नॉन लिविंग थिंग है, इसमें आपने कलर नहीं करने. बटरफ्लाई, बटरफ्लाई में आपने कलर करने हैं, ये लिविंग थिंग्स में आती है. फिश, फिश में आपने कलर करने हैं, ये भी लिविंग थिंग है. लैपटॉप नॉन लिविंग थिंग है, इसमें कलर नहीं करने. ट्री में भी कलर करने हैं, ये भी लिविंग थिंग है. पहले छोटा सा होता है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ट्री बन जाता है. और टाइगर, इसमें भी आपने कलर करने हैं, ये भी लिविंग थिंग है. ठीक है, अब बटरफ्लाई में आपने अपने फेवरेट कलर करने हैं. बटरफ्लाई कलरफुल होती है, आपने इसमें कलरफुल डिफरेंट कलर्स के ना कलर करने हैं प्यारे से, लेकिन इस ब्लैक जो बाउंड्री लाइन है ना, इससे बाहर ना आए कलर आपके, प्यारे प्यारे से कलर करने हैं. फिश में भी आपने प्यारे से कलर करने हैं. ट्री में आपको पता है ये अपर पार्ट जो है ये ग्रीन होता है, ये लोअर पार्ट जो है स्टेम इसका ये ब्राउन होता है. अपर पार्ट में ग्रीन, लॉयर में आपने ब्राउन करना है. इसमें भी आपने ब्राउन और येलो मिक्स करके तो ये कलर करना है. ठीक है, फिश में और बटरफ्लाई में आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे, लेकिन इन दोनों थिंग्स में जो कलर हैं वो ही करेंगे, इनको नहीं चेंज करना. ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपने कलरिंग करने के बाद आपने एक क्वेश्चन भी मुझे इस यूनिट का लर्न करके सुनाना है, और वो है यूनिट नंबर 3, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू लिविंग थिंग्स डू? आंसर, लिविंग थिंग्स ग्रोस, मूव एंड ब्रेथ. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू लिविंग थिंग्स डू? आंसर, लिविंग थिंग ग्रोस, मूव एंड ब्रेथ. ये आपने क्वेश्चन मुझे लर्न करके सुनाना है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.